नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जैविक तरीके से स्प्रे के माध्यम से जो ये 5 एकड़ किन्नू का बगीचा है इसको हम रोगों से बचाने के लिए, इनको जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो इनको प्रदान करवाने के लिए आज हम ये दूसरी स्प्रे करने जा रहे हैं। इस स्प्रे के अंदर हम लोगों ने 2000 लीटर पानी की टंकी ली है, उसके अंदर 600 लीटर तैयार किया हुआ वेस्ट डिकम्पोजर का घोल प्लस उसमें गौ माता का अर्क, और इसके अंदर 50 लीटर सूक्ष्म पोषक तत्व प्लस 50 लीटर पावरफुल जैविक कीटनाशक, ये तीनों का मिक्स करके हम इस टंकी के अंदर डालेंगे और हम इन पौधों के ऊपर कंप्लीट स्प्रे करेंगे। और जो पहली स्प्रे हम लोगों ने इसकी जो की थी वो तब की थी जब इस बगीचे के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद जब हमारा फ्रूट जो है वो सेट हो जाता है, फ्रूट सेट होने के बाद बिल्कुल सरसों के दानों के आकार जितना हो जाता है, उस टाइम हम लोगों ने इसकी पहली स्प्रे की थी। उसके अंदर हम लोगों ने एडिशन इसके अंदर 100 लीटर सड़ी हुई 15 से 20 दिन पुरानी जो लस्सी है, जो हमारे घरों में जो लस्सी होती है वो भी इसके अंदर हमने डाला था। वो एक बहुत ही अच्छा जैविक फंगीसाइड है और सिटेसिले वगैरह की जो बहुत सारी जो बीमारियां जो आती है इसके इस बगीचे के अंदर वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब की बार हमें किसी प्रकार की फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, इसलिए हम लोगों ने लस्सी को हटा दिया। तो किसान भाइयों, आप भी इसी तरीके से छिड़काव कीजिए, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है और इस बगीचे के अंदर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके आसपास जो भी किसान भाई है ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।